नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2021 का क्या फाइनल मुकाबला खेला गया दोस्तों। दो बेहतरीन टीमें आमने सामने थी तो मुकाबला तो शानदार होना ही था दोस्तों, और ऐसा ही मुकाबला देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2021 का फाइनल। आपको बता दूं, न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान केन विलियमसन के शानदार और ताबड़तोड़ 85 रन की बदौलत अपने 20 ओवर में 172 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाने में कामयाब रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया के सामने फाइनल में 173 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख देते हैं। दोस्तों, 173 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया जब बल्लेबाजी करने उतरी तो कप्तान एरोन फिंच का विकेट जल्दी लेने में कामयाब रहती है न्यूजीलैंड। लेकिन दोस्तों, इसके बाद डेविड वार्नर और मिचेल मार्स दोस्तों डट कर खड़े होते हैं और जो विकेट का सिलसिला शुरू हुआ था उसे दोबारा गिरने नहीं देते और 50 रन के ऊपर की साझेदारी कर देते हैं। डेविड वार्नर की बात करूं तो 38 बॉल में ताबड़तोड़ 53 रन, वहीं मिचेल मार्स दोस्तों मैन ऑफ द मैच वाली पारी देखने को मिली उनके बल्ले से। अंत तक नाबाद रहते हुए 50 बॉल में 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के की मदद से 77 रन बनाए। वहीं ग्लेन मैक्सवेल अंत तक नाबाद रहते हुए 18 बॉल में 28 रन बनाने में कामयाब रहे। और इसी के साथ दोस्तों, 7 गेंद रहते ही ऑस्ट्रेलिया यह मुकाबला जीत लेता है और पहली बार अपने इतिहास में T20 का वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रहती है ऑस्ट्रेलिया। आपको बता दूं कि वनडे का वर्ल्ड कप बहुत जीत चुकी है लेकिन अभी तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता था। ये उनका पहला T20 वर्ल्ड कप विजय है।